हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस टीसीटी का पैडागोजी का पोर्शन, जो आपके 40 नंबर का आता है टीसीटी में, वो पोर्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि इस चैनल पर आपको हर स्टडी मटेरियल मिलता है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, और इसके अलावा आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती है, चाहे वो एग्जाम की डेट हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे रिजल्ट हो, हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी आंसर की मिल पाए, वो भी अपने आंसर चेक कर पाएँ कि उनका क्या रिजल्ट रहेगा और अगला स्टेप उसके अकॉर्डिंग वो ले पाएँ। तो दोस्तों, पैडागोजी की बुक जो अगर आपने खरीदी थी, हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों ही, ये क्वेश्चंस मोस्टली सारे क्वेश्चंस उसमें हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों ने स्टडी मटेरियल लिया था, तो उनका पैडागोजी का सेक्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुतों के रिव्यूज़ भी आए हैं। अगर आपको भी वो अपने किसी भी एग्जाम के लिए, एस टैट, सुपर टैट, एम बी टैट, बिहार टैट, किसी भी स्टेट के टैट के लिए आपको चाहिए, वो आप बुक को डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पीडीएफ है आपको, वहाँ से जाकर आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कोई भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, तो आप स्टडी मटेरियल भी ऑर्डर कर सकते हैं 8447410108। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, तो आप यहां से स्टडी मटेरियल की भी आपको जानकारी यहां से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता करना, विचार प्रक्रिया पर बल देना और स्मरण पर कम बल देना, बालकों की प्रगति से माता पिता को संतुष्ट करना, प्राधिकारियों को विद्यालय के कार्यकरण की निगरानी करने में सहायता करना। तो इसका आपका आंसर क्या रहेगा? 2, ले एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज डी मेमोराइजेशन, यानी कि विचार प्रक्रिया पर बल देना है और स्मरण पर कम बल देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स विद लो सेंस ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी एट्रीब्यूट देयर पुअर परफॉर्मेंस टू, जो शव क्षमता की कम समझ वाले छात्र हैं, वो अपने खराब प्रदर्शन का कारण किसे मानते हैं? तो ये तो आप अपने से रिलेटेड कर सकते हैं, लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ एफर्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्शंस, नॉट स्टडिंग एफर्ट, यानी कि क्षमता की कमी, प्रयास की कमी, निर्देशकों को गलत समझना या फिर पढ़ने का प्रयास नहीं करना। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा 2, लैक ऑफ एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, The training courses for special education are regulated by, जो विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कोर्स है, उसके किसके द्वारा नियमित किए जाते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा 1, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, When a teacher sets a task that is above the student's current ability level, she is likely to, जब भी कोई अध्यापक किसी छात्र को ऐसा काम देता है जो उसकी जो क्षमता, उसकी एबिलिटी है उससे ऊपर है, तो क्या संभावना है? वो किस लिए देता है? ताकि छात्र में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न हो, टू जनरेट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन अमंग दी चिल्ड्रन, इसका ऑप्शन रहेगा 3। नेक्स्ट, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा सैटेलाइट था? वो है एजुसेट 1। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से अधिकाधिक सीखते हैं? जो दृष्टिहीन यानी विजुअल इंपेरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो कैसे सीखते हैं? वो आपको पता होगा, वो अक्षरों को स्पर्श करते हैं, स्पर्श के माध्यम से सीखते हैं, स्पर्श करके देखते हैं कि क्या अक्षर है, उसके अकॉर्डिंग ही वो पढ़ पाते हैं। तो 16 का 1 रहेगा आपका। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि जो मेन आर्ग्यूमेंट है फेवर ऑफ टेक्स्ट बुक्स, वो क्या है? तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा 3, टेक्स्ट बुक्स असर्टेन ए मिनिमम ऑफ ऑथेंटिक कंटेंट टू बी कवर्ड बाय दी लर्नर, यानी कि पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करे कि शिक्षार्थियों द्वारा कितनी न्यूनतम प्रमाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चयन परीक्षा में विभिन्न बोर्ड से पास हुए छात्र भाग ले रहे हैं, उनके उपलब्धि अंकों की व्याख्या करने की सर्वोत्तम तकनीक क्या है? तो ये कौन से मॉडल से आप कर सकते हैं? टी मॉडल, टी स्कोर से। नेक्स्ट, एक अध्यापक इस आशा से यह स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने को सचेतन का प्रयास करता है कि उसके छात्र भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे, निम्नलिखित से कौन सा सिद्धांत अध्यापक के व्यवहार को स्पष्ट करता है? यानी कि ए टीचर मेक्स ए कॉन्शियस एफर्ट टू बिहेव इन एन एक्सेप्टेबल मैनर विद द एक्सपेक्टेशन दैट स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड सिमिलरली, यानी कि जो भी एक अध्यापक है वो उस व्यवहार करता है ताकि किस उम्मीद से कि उसके छात्र भी, उसके स्टूडेंट्स भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सिद्धांत अपनाता है वो? मॉडलिंग का, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयर्समैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो स्पीयर्समैन का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है, थार्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत से किस प्रकार संबंध है? तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा 3, अंतर जात का है पर्याय से, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, शिक्षण की एक इकाई में क्या होगा? तो जो यूनिट ऑफ टीचिंग है उसमें क्या होता है? एक चैप्टर होता है? नहीं, ओनली ए कंसेप्ट। तो कंसेप्ट जरूरी है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ओनली ए कंसेप्ट, 2। नेक्स्ट,
एक देसी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं होती है, जो एक एन इंडिजियस टीचिंग है वो कैसी नहीं होती है, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेकंड, दूर स्थानों से लाई गई सामग्री से निर्मित। नेक्स्ट, अधिकतम प्रभाविता के लिए यह आवश्यक है कि अनुक्रिया का पुनर्बलन, इसमें आपका आंसर रहेगा आपका फर्स्ट, अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता है तो आप एक अध्यापक के रूप में उसको क्या कहेंगे, उसको बाएं हाथ प्रयोग करने से हतोत्साहित करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, चिकित्सीय सहायता लेंगे, या उसे अपनी प्राथमिकता के अनुसार अपने हाथ का प्रयोग करने देंगे। तो ये आपको देखा भी है कि कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कुछ लोग राइट हैंड से, तो हम उनको मना नहीं करते, हम उनको अलो करते हैं ताकि वो अपना कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो लिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव के नियम, प्रभाव के नियम का अर्थ क्या है, अनुक्रिया का सीखना या न सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर निर्भर करता है, यह आपका आंसर इसमें ठीक रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई छात्र किसी जाति में आकार को सही तरीके से वर्गीकृत करता है तो किसका निर्देशन करता है, घोषणात्मक ज्ञान, स्वविनियामक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान या परिस्थितिक ज्ञान, तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा फोर्थ, कंडीशनल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के सामाजिक विकास में किस संस्थान के कार्य क्षेत्र अधिकतम हैं, तो ये हैं आपके थर्ड के, कम्युनिटी। नेक्स्ट, मोस्लो 1970 के आवश्यकता सोपान में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता अस्तित्व हेतु आवश्यकता है, तो इसका आपका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें कौन कौन सा ठीक है आपका सेकेंड और थर्ड, ज्ञानात्मक आवश्यकता और सौंदर्यपर्यक आवश्यकता, कॉग्निटिव और एस्थेटिक नीड्स, तो आपका इसमें आपका रहेगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, IEDC यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिजेबल वॉज फर्स्ट लॉन्च, जो IEDC जो निशक्तों के लिए समेकित शिक्षा है वो सर्वप्रथम कब आरंभ की गई, वो आरंभ की गई थी 1970 में, तो 1970 सेकेंड ऑप्शन आपका रहेगा। नेक्स्ट, करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव करना क्या कहलाता है, जब आप कोई काम को करके सीखते हैं यानी कि एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनेक्टिव अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, वो होता है भाषा संबंधी खेल, लैंग्वेज गेम का उपयोग किया जाता है। प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, तो वो है आपका सक्रिय होकर सुनना, एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि को किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है, नैसर्गिक प्रवृत्ति से नजदीकी रूप से संबंधित एक प्रकार की सहज बोध, या फिर किसी समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू करना, या फिर अनुभव को अकस्मात प्रणंगन, तो ए सडन रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, बालकों को अनुशासित करने में बालकों को चाटा मारने और पीटने को उपयुक्त नहीं माना जाता है, कठोर दंड के विकल्प के रूप में आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे, यानी कि बालकों को आप पीट नहीं सकते, चाटा मारना वो एक गलत तरीका माना जाता है, तो आप उनको कैसे समझेंगे, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, विशेषाधिकार वापस ले सकते हैं, उनके कुछ जो विशेषाधिकार है वो आप वापस ले सकते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सेकेंड, सेकेंड आपका ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। नेक्स्ट, समग्र मूल्यांकन का प्रयोग आमतौर पर किन्हें नहीं किया जाता है, उपचारण में, ग्रेड प्रदान करने में, अगले ग्रेड में कक्षोन्नति में, या फिर वर्गीकरण में, तो जो समेटिव असेसमेंट है वो किस लिए यूज नहीं होते हैं, यहाँ पर आपका रहेगा रिमीडिएशन, उपचारण में, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। पाठ्यचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है, जो क्रेडिट जो गिविंग ए सर्कुलर मॉडल, उसका क्रेडिट किसको जाता है सर्कुलर मॉडल का देने को, तो वह है आपका हिल्डा ताबा, सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें ठीक रहेगा। निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार निशक्त व्यक्ति वह है जो किसी निशक्तता से कम -% से पीड़ित हो और जिसे किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अभिज्ञात किया गया हो, तो वो कौन सा होता है, कम से कम 40% होना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT का भारतीय ग्रामीण विद्यालय में अधिक उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर ये कॉस्टली होता है, तो ICT से काफी खर्चीली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की सबसे बेहतर कार्य नीति निम्नलिखित में से कौन सी है, कक्षा में चर्चा करना जिसमें अधिकांश विद्यार्थी शामिल किए गए हों, अध्यापक द्वारा प्रदर्शन जिसमें विद्यार्थियों को शामिल किया गया हो, सहकारी अभिगम या सहयोगी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाया जाना, या फिर शिक्षण के लिए क्षमता समूह बनाना, तो आपका इसमें ऑप्शन रहेगा थर्ड ठीक रहेगा, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोगों का प्रदर्शन का निर्दिष्ट स्तर उत्पन्न करने को अपनी क्षमताओं पर विकास करना जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं को किस पद द्वारा जाना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा 4 सेल्फ एफिशिएंसी, शव क्षमता द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट, कई वर्षों में एकत्र किए गए मात्रात्मक गुणात्मक आंकड़ों के आधार पर मूल्य निर्णायन अथवा महत्व आंकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका रहेगा 4 इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना कहा जाता है। पाठ योजना के अनुसार पढ़ाते समय आमतौर पर अध्यापक किसे कम महत्व देते हैं, तो किसे कम महत्व देते हैं, मोटिवेटरी क्वेश्चंस को, प्रेरणात्मक प्रश्न को। नेक्स्ट, ए चाइल्ड विद इम्पेरेंट में एक्सरसाइज डिजेबिलिटी, एक बाधित बालक है वो निशक्तता का तब कब अनुभव करता है, वो अनुभव करता है जब उसकी लगातार उन बालकों की तुलना की जाती है जो कपित है, काम में अच्छा प्रदर्शन करता है। जब किसी बच्चे से उसको कंपेयर करते हो जो कि अच्छा प्रदर्शन करता है तो तब वो अपनी निशक्तता का अनुभव करता है। तो दोस्तों ये था आपकी जो पैडागोजी है उसके क्वेश्चन के आंसर की, आप अपने आंसर की मैच करके हमें कमेंट कीजिए कि आपको पोर्शन कैसा लगा, कैसा था पेपर, टफ था, आसान था, आपने कितने मार्क्स इसमें अटैम्प्ट किए हैं, आपको क्या उम्मीद लगती है कि आपको एग्जाम कैसा रहा, कितने आपके मार्क्स आएंगे। और मैंने आपको बता ही दिया कि पैडागोजी की बुक के लिए आप ई बुक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें 8447410108 किसी भी स्टेट के टैट या किसी भी टीचिंग एग्जाम के स्टडी मटेरियल के लिए आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर आप डॉक्टर विजय या फिर स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।